is Shifani from the channel We Prepare for UGC NET. आज की जो वीडियो है ये पेपर वन की प्रिपरेशन जो यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे ली गई है. इसी की एक वीडियो का पार्ट जो है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ. आज जो मैं इसका पार्ट टू डाल रही हूँ, जो आपका यूनिट है, जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स. सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है, हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि हम स्टडी इसे कहाँ करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करने के लिए डाटा कलेक्ट करता है तो उसके लिए वो डाटा किन यूनिट से कलेक्ट करे. वैसे तो हम अगर सबसे यूनिट से कलेक्ट करेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा डाटा, इसलिए वो किस यूनिट से डाटा कलेक्ट करे, तो उसके लिए अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं कि आप सैंपल किन किन से ले सकते हो. तो जो सैंपलिंग टेक्निक्स का पार्ट वन है उसके अंदर मैंने सैंपलिंग टेक्निक्स से दो टाइप्स हैं, देखते हैं वो कौन से हैं. सैंपलिंग टेक्निक्स, रैंडम सैंपलिंग एंड देन नॉन रैंडम सैंपलिंग जो इसके पार्ट्स हैं. कल मैंने पार्ट वन के अंदर आपको सारे के सारे रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक्स बता दी थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उधर से देख सकते हो. और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉन रैंडम सैंपलिंग. नॉन रैंडम सैंपलिंग के फर्दर क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं. ये थे रैंडम सैंपलिंग के सारे टेक्निक्स जो हम कल कर चुके हैं. इसके अंदर क्या था कि सब कुछ चांस बेस्ड जो है, चांस पे बेस्ड होता है, रैंडमली बेस्ड होता है. कि कुछ हद तक तो हम इसके अंदर कुछ मेथड्स तो ऐसे थे जिसके अंदर रिसर्चर खुद सोचता है कि हाँ मुझे इस क्लास से लेना चाहिए डाटा, इस स्टेज से लेना चाहिए डाटा या इस क्लस्टर से लेना चाहिए डाटा. तो इस तरह से कुछ तो रिसर्चर के हाथ में रहता था, लेकिन लास्ट में जब हम स्टडी करते थे, जब हम चूज करते थे डाटा को, वो सब रैंडमली बेसिस पे ही होता था. ठीक है, इसलिए इसे रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है. आज हम करने वाले हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड्स. नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड्स में जैसे कि मैंने बोला, रैंडम में सब कुछ चांस बेस पे होता है और नॉन रैंडम में प्रोबेबिलिटी या चांस की कोई भी जगह नहीं होती. इसमें प्रोबेबिलिटी चांस के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करते. सब कुछ जैसा जो इन्वेस्टिगेटर को, जो रिसर्चर को ओके लगता है, सही लगता है, सब उसके ही अकॉर्डिंग होता है. ये मेथड जो है, कुछ अगर मान लो रिसर्चर के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है. ओके, आप हम स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट इसका, डेलीबरेट सैंपलिंग. डेलीबरेट सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग, ये तीनों इसके नाम है. डेलीबरेट सैंपलिंग के नाम क्या है, पर्पसिव और जजमेंट. जिससे भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पॉइंट नेम से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सबके सब यहाँ पर आपको कोड करके बताया है कि कौन कौन से इसके नेम्स हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि डेलीबरेट सैंपलिंग क्या है. जब रिसर्चर, व्हेन रिसर्चर क्या करता है, himself makes the choice, वो खुद चॉइस बनाता है samples में से, which in his opinion are the representatives of the universe, जो उसे अपने according लगता है कि हाँ ये जो है वो पूरी क्लास को represent कर रहे हैं, तो मैं इन units को लू. ठीक है, जब कोई method use नहीं किया जाता, directly investigator को ये लगता कि हाँ जो मैंने आइटम्स जो मैंने यहाँ पर स्टडी करनी है, मतलब जो मैंने यहाँ पर स्टडी करनी है जिसके बारे में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये यूनिट्स हो सकती हैं, इसलिए वो डायरेक्टली उन्हीं यूनिट्स को खुद चूज कर लेता है. ठीक है, तो ये हमारी होती है पर्पसिव, डेलिब्रेट या जजमेंट सैंपलिंग. ओके, इसके अंदर सब कुछ जो है इन्वेस्टिगेटर की विल के अनुसार, जैसा वो चाहता है, उसकी विश के अकॉर्डिंग ही होता है. चांस पर कुछ भी नहीं रखा जाता कि चांस है तो वो निकल जाएगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. जैसे कि अब मान लीजिए कि जो रिसर्च, कोई पर्सन है, कोई रिसर्चर है, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ स्टडी कर रहा है, तो वो डायरेक्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को चूज करेगा जो उन्हें लगता है कि हाँ ये पूरी क्लास को या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट, ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च इम्पोर्टेंट कब हो जाती है, जब कुछ आपके पूरे यूनिवर्स में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिन्हें स्टडी करना बहुत ही जरूरी है. दैट मीन्स अगर हम इसे
किसी और मेथड से चूज करें तो चांसेस है कि वो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेलिबरेट सैंपलिंग तब की जाती है जब हमारी कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्टडी करना, जिन्हें अपने रिसर्च के अंदर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। ये मेथड जो है वो हमारा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, काफी इजी हो जाता है, बट इसमें चांसेस ये हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस हो जाते हैं कि भेदभाव हो सकता है, रिसर्चर किसी भी यूनिट को अपने अकॉर्डिंग जो उसे सही लगता है, जैसा रिजल्ट उसे निकालना है वैसे यूनिट्स को सिलेक्ट करके और रिसर्च करके दिखा दे, तो डिस्क्रिमिनेशन के चांस है। और ये लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास योग्य नहीं है, ये मेथड रिलायबल नहीं है और एक्यूरेट बिल्कुल हम कह सकते हैं कि प्योर नहीं है, ठीक नहीं है, तो मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ गलती जो है, रिसर्चर कुछ भी ले सकता है आइटम्स, तो हमें कोई रिसर्च के ऊपर पूरा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि रिसर्च बिल्कुल सही हुई है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हम करते हैं इसका वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या है कि इसके अंदर हम पूरी यूनिवर्स को कुछ कोटाज में डिवाइड कर देते हैं, कुछ कोटा सेट कर देते हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं और हम हर ग्रुप के अंदर कोटा सेट कर देते हैं कि हम इस ग्रुप से इतने इतने लोग लेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्यूमरेटर्स को, डेट मीन्स जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्यूमरेटर्स को रिसर्चर बस वो सारी इंफॉर्मेशन बता देता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो इस करेक्टरिस्टिक्स के लोगों से लेनी है, डेट मीन्स बता देता है कि हाँ इसी टाइप के लोगों से लेनी है। उसके बाद जो स्टडी होती है वो सारी की सारी इन्यूमरेटर के हाथ में होती है, फुल फ्रीडम होती है कि वो उसे किस प्रकार को किस किस टाइप से जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसके लिए उसको फुल फ्रीडम होती है कि कितने लोगों से करे कैसे करे, बस एक जो है वो पूरी डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं रिसर्चर कि हाँ आपने इतने ही लोगों से और इस टाइप के लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि मान लीजिए कि 200 पीपल्स हैं, आपको उनसे जो है कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने उसके अंदर एज ग्रुप आपको उन्होंने जो है रिसर्चर ने बता दिया कि 30-35 एज ग्रुप के लोग हों और उनकी जो है हमने इनकम की रेंज बता दी कि लगभग 40,000 पर एनम से लेकर 30,000 से 40,000 पर मंथ की उसकी इनकम होनी चाहिए, तो उन्हीं लोगों को स्टडी करना है, तो उसके अंदर बाकी सब रिसर्चर के हाथ में हो जाता है कि वो कौन से 200 पर्सन को ले, बस मेन करेक्टरिस्टिक्स यही होना चाहिए कि वो जो 200 लोग लेगा उसकी एज जो है वो जैसी उसने बताई है रिसर्चर ने 30-35 के बीच में हो और जितनी इनकम रिसर्चर ने बताई है 30,000 से 40,000 पर मंथ के हिसाब से उसकी इनकम हो, तो ये हमारा हो जाता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जो है उसके अंदर आपके डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस तो है ही है कि कोई भी यूनिट तो सिलेक्ट की जा सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ सैंपलिंग एरर के भी चांस हो जाते हैं इसके अंदर कि कोई गलती भी हो सकती है हमारी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसे हम चंक मेथड भी कहते हैं। कॉन्वीनियंस सैंपलिंग जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉन्वीनियंट क्या होता है, आसानी से। कन्वीनियंट का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो रिसर्चर ऐसी यूनिट्स को कलेक्ट करेगा रिसर्चर जो आसानी से उसे जिससे डाटा कलेक्ट कर सकता है, जिसे कन्वीनियंटली डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, वो हमारी हो जाती है कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड। कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड को हम चंक मेथड भी कहते हैं और इसके अंदर जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए कि एक पब्लिशर है, उसे कह दिया गया है कि उसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना है, तो वो उस प्रोस्पेक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा किन किन टीचर से ले, कौन कौन से कॉलेज के लेक्चरर्स को वो सिलेक्ट करे कि हाँ ये मेरा प्रोस्पेक्टस बनाने में हेल्प करेंगे या इनसे मैं इंफॉर्मेशन लूँ इनसे ना लूँ, तो जो उसे सही लगता है जिससे उसे जल्दी डाटा इजिली डाटा मिल जाता है वो उन यूनिट से, अगर वो उन लेक्चरर्स से वो डाटा ले लेता है तो उसे हम कहेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग या चंक मेथड। ये जो है ये हाईली अनसाइंटिफिक मेथड है, कोई सिस्टमैटिकली कुछ भी यूज नहीं किया जाता, जितना बस जो इजिली मिलकर डाटा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और काफी इनरिलायबल भी डाटा है, रिलायबल नहीं माना जाता इसे, नॉट रिलायबल डाटा है ये हमारा, ठीक है, जो मेथड है ये रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लास्ट जो पार्ट इसका करने जा रहे हैं वो है
एक्सटेंसिव सैंपलिंग. एक्सटेंसिव सैंपलिंग क्या है कि इसके अंदर एक्सटेंसिव मतलब पूरा एक्सटेंडेड डाटा, एक्सटेंडेड एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं. कहने का मतलब कि मान लीजिए आपकी यूनिवर्स जो है उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से हमने 90% से डाटा जो है कलेक्ट कर लिया, 90% आइटम जो है वो हमने कलेक्ट कर ली और सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को छोड़ दिया जिन्हें कलेक्ट करना काफी मुश्किल या इम्पॉसिबल था, उनसे हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया. उसके अलावा हमने हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव सैंपलिंग मेथड. इसके अंदर क्योंकि हम बड़े लेवल पर हम अपनी सैंपलिंग जो है वो सैंपल्स ले रहे हैं, इसलिए ये डाटा जो है वो काफी एक्यूरेट आता है, इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आता है. इसके अंदर बस ये बात है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं जब हम हर एक यूनिट से डाटा लेते हैं. डेट मीन्स अगर मान लीजिए कि हम एक कॉलेज की स्टडी ही कर रहे हैं, उसके अंदर 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1500 में से जो रिसर्चर है वो लगभग 1300 तक का डाटा ले लेता है और 200 का उनका नहीं ले सकता जो मतलब कि स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड ही नहीं करते रेगुलर बेसिस पे या कॉलेज नहीं आ रहे हैं, जिनके साथ कांटेक्ट करना भी मुश्किल है, तो उनका डाटा उसने नहीं लिया. 1200 स्टूडेंट्स का 1300 स्टूडेंट्स का उसने डाटा नहीं लिया, तो ये हमारी होती है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग. इससे रिजल्ट जो है वो काफी एक्यूरेट आते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें. ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे.